फ्रेंड्स देखिए, यह है नीम राणा का टोल। अब मैं यहाँ पे टोल के पैसे भरूंगा और टोल क्रॉस करूंगा। हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए ट्रक, ये देखिए कार। फ्रेंड्स ये देखो बाइक गई, बाइक। फ्रेंड्स ये गया हल्दीराम। फ्रेंड्स देखो, ये गाड़ी इस ट्रक को भी ओवरटेक करने वाली है, यह कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे कि यार ये क्या बोल क्या रहा है, मतलब ये दिखा क्या रहा है। मैं भी कई बार यही सोचता हूँ कि जब लोग व्लॉगिंग कर रहे होते हैं, और बहुत सारे लोग व्लॉग कर रहे होते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छा व्लॉग करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसी व्लॉगिंग करते हैं जहाँ पर आज मैं चाय पी रहा हूँ, चाय के अंदर बिस्किट डुबो के खा रहा हूँ, आज मैं अभी रोटी खा रहा हूँ, मैं दो रोटी खा रहा हूँ, इसके साथ में पनीर की सब्जी खा रहा हूँ, मतलब हो क्या गया है। और मेरे को चौंकाने वाली बात यह है कि इन लोगों की वीडियोस के ऊपर 2-2 लाख, 3-3 लाख व्यूज होते हैं। कहीं ना कहीं पे हम सबको देखना होगा हम क्या देख रहे हैं, हम क्या कंटेंट देख रहे हैं। और व्लॉगिंग, बहुत सारे लोग व्लॉगिंग करते हैं जहाँ पे आपको नॉलेजेबल चीजें बताते हैं, चीजों के बारे में नॉलेजेबल, आपको आपकी नॉलेज को बढ़ाते हैं। और कुछ लोग बताते हैं आपको कि चाय के अंदर बिस्किट अगर मैं इतनी देर तक रखूंगा तो ये डूब जाएगा, वो टूट जाएगा, मैं 2 रोटी खाऊंगा तो मेरा पेट फूल जाएगा, मैं 2 दिन खाना नहीं खाऊंगा तो मैं 1 इंच लंबा हो जाऊंगा, मतलब ऐसी ऐसी वीडियोस बनाते हैं। हमारे देश के अंदर बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं, और मैं आपको पता है हमेशा मुद्दों के ऊपर कुछ ना कुछ वीडियो बनाता हूँ, जो कि मेरा काम नहीं है। मेरा जो चैनल है वो लाइफस्टाइल व्लॉगिंग के ऊपर है। अभी 3 मुद्दों के बारे में बात करते हैं। मेरे हिसाब से सुशांत सिंह राजपूत, जिसके अंदर रिया चक्रवर्ती, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि मैं इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाऊंगा, वीडियो तो बनाऊंगा जब जस्टिस सामने आएगा। लेकिन अब एक इसके अंदर एक न्यू अपडेट आ गया है, रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट कर लिया गया है। रिया चक्रवर्ती को ड्रग्स के मामले में अरेस्ट किया गया है, ना कि मर्डर के मामले में। ये बहुत बड़ा एक झोल हो रहा है साथ ही साथ में। अब बहुत सारे लोग हैं बॉलीवुड के जो सामने आ गए हैं और बोल रहे हैं कि दे सपोर्ट रिया, जैसे अभय देओल, आपकी जोया अख्तर हो गई, आपकी सोनम कपूर हो गई, या जो भी बहुत सारे 5-6 एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, जो कि अब सामने आके, स्वरा भास्कर हो गई, ये सामने आकर बोल रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती को सपोर्ट कर रहे हैं। और जिस हिसाब से मीडिया उनके साथ रवैया पेश कर रही है तो वो सही नहीं है, और अब वो रिया को सपोर्ट कर रहे हैं। सो दे आर आस्किंग जस्टिस फॉर रिया के नाम से उन्होंने एक अपना कैंप स्टार्ट किया। सबको याद होगा ये जो सबसे पहली जो सुशांत सिंह राजपूत के बारे में जो बात बोली गई वो कंगना रनौत की तरफ से बोली गई थी। कंगना रनौत ने ही इस चीज को बोला था, और कंगना रनौत के बाद अर्णव गोस्वामी भी इस बात को मानते हैं कि कंगना शी इज अ लाइटिंग टॉर्च, जिन्होंने इस चीज के बारे में पूरी दुनिया को बताया। अभी कंगना रनौत का एक बयान आया है जिसके अंदर उसने बोला है कि उसको मुंबई की हालत POK की तरह लग रही है, जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने इस चीज के खिलाफ बोला कि वो ऐसा कैसे बोल सकती है। जिस शहर ने उनको इतना सब कुछ दिया, जिस शहर में उनको रोजी दी, रोटी दिया, सब कुछ दिया, वो उस शहर के बारे में POK कैसे बोल सकती है। अब जो संजय राउत है और कंगना रनौत है, ये आमने सामने आ चुके हैं, इन्होंने आपस में बहुत बयानबाजी की है एक दूसरे के लिए। अब कंगना रनौत को सेंटर की तरफ से वाइस सिक्योरिटी मिल गई है, वाइस सिक्योरिटी जिसके अंदर उनके साथ हमेशा 8 से 10 जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, जो NSG के गार्ड्स होते हैं, वो हमेशा मौजूद रहेंगे। और आज मुंबई कंगना रनौत पहुंचेंगी, और उसके बाद देखेंगे, क्योंकि शिवसेना वाले बिल्कुल अगेंस्ट हुए पड़े हैं। शिवसेना वाले बोल रहे हैं कि अगर वो मुंबई में आई तो वो उनका मुंह तोड़ देंगे, या शिवसेना वाले बोल रहे हैं कि एक बार उनको मुंबई आने दो फिर हम बताएंगे। अभी आज एक न्यूज़ भी आई है जहाँ पे PMC वाले उनके ऑफिस को तोड़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बोला है कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है, और वो उसके ऑफिस को तोड़ रहे हैं, पूरे ऑफिस को। और साथ ही साथ में कंगना ने ये बोला है कि वो जब भी ऐसी कोई चीज़ें होती हैं उनसे वो डिमोरलाइज नहीं होती, बल्कि उनकी स्पिरिट है वो हाई होती है, और वो अब और भी अच्छा काम करेगी मुंबई वालों के लिए, अपने लिए और अपने देशवासियों के लिए। कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि रिया चक्रवर्ती, कंगना रनौत, सुशांत सिंह राजपूत, इन सब के बीच में कोरोना कहीं पे गुम हो गया है। हम सब भूल गए हैं कि हमारे देश के अंदर कोरोना भी है। सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी है कि इस टाइम पे 90,000 के आसपास केसेस आ रहे हैं, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि जो मोर्टिलिटी रेट है वो बहुत कम हो गई है, और 87% के आसपास रिकवरी रेट पहुंच चुका है। 6 स्टेट्स हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा केसेस हैं, बाकी जो स्टेट्स हैं वहाँ पे बहुत नॉर्मल सिचुएशन अब होती जा रही है, केसेस कम होते जा रहे हैं। इसी के बीच में जो सबसे बड़ा मुद्दा है जो हमारे को और हर किसी को इफेक्ट करना चाहिए, वो 2 मुद्दे हैं।
पहला मुद्दा यह है कि हमारे जो देश की जीडीपी है वो -23-24 पे चली गई है। ऐसी सिचुएशन 1947-1948 के अंदर आई थी जब हमारे देश के अंदर जीडीपी के नाम पे कुछ था ही नहीं। अब चीज़ों से ऊपर उठकर ये भी सोचना पड़ेगा कि हमारे देश के अंदर नौकरियां कहाँ से आएंगी, हमारे देश के अंदर काम कहाँ से आएगा, हमारे देश के अंदर इंडस्ट्रीज कैसे सेटअप होगी। हमारे को उन चीज़ों के बारे में बात करनी चाहिए। अगर ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है, अगर बातें करनी है, तो आज के टाइम में हम सब इन्हीं चीज़ों पे लगे रहते हैं कि पबजी बैन हो गया, टिकटॉक बैन हो गया, यू नो, जो देश का यूथ है। सुशांत सिंह राजपूत, यस, उनके साथ बहुत गलत हुआ है, लेकिन इसके अलावा जितनी इंपॉर्टेंस हम इन सब्जेक्ट्स को दे रहे हैं, हमारे को अपने घर की रोटी रोजी, जो हमारे को पैसा चाहिए, हमारे को उस चीज़ को भी इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। हमारे को बातें, हमारे को फालतू के डिस्कशंस, ये सब चीज़ें काम नहीं आएंगी। जो देश का यूथ है इस टाइम पर, उसको इन चीज़ों के बारे में ध्यान देना चाहिए। सेकंड मुद्दा जो है वो है इंडिया वर्सेस चाइना के बारे में। ये जो एक डिस्प्यूट है, ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आपको याद होगा ऑलमोस्ट एक महीने पहले मैंने एक वीडियो भी बनाई थी इंडिया वर्सेस चाइना बॉर्डर सिचुएशन को लेकर। अब सोमवार को हुआ क्या कि इंडिया के हिसाब से जो चाइना के कुछ ट्रूप्स हैं, चाइना के जो सोल्जर्स हैं, वो पूर्वी लद्दाख से हमारे इंडिया की तरफ घुस रहे थे, घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। उसको रोकने के लिए उन्होंने वार्निंग फायर किया। चाइना के रक्षा मंत्री और हमारे जो राजनाथ सिंह हैं, जो रक्षा मंत्री हैं हमारे, उनके बीच भी वार्तालाप हुई, उनके बीच भी मीटिंग हुई, लेकिन उस मीटिंग के दौरान कोई सोल्यूशन नहीं निकला। बहुत सारी मीटिंग्स ऐसी हो रही हैं, बहुत सारी मीटिंग पहले भी हुई है इंडिया वर्सेस चाइना के बीच में, जहाँ पर सिर्फ मीटिंग ही होती है लेकिन ऑन ग्राउंड पे जो रियलिटी होती है वो बहुत डिफरेंट होती है और जो सिचुएशन है वो बहुत खराब है। इसी साथ में उन्होंने अपना एक प्रेस रिलीज भी किया है जहाँ पे उन्होंने ये बताया है कि इंडिया ने इस बार ऑलमोस्ट 1-2 times फायर किया है उनके सोल्जर्स के ऊपर। लेकिन इंडिया ये बोल रही है कि क्योंकि जो उनके सोल्जर्स हैं वो हमारे ही LSC के अंदर आ रहे थे, इसकी वजह से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, क्योंकि हमारे यहाँ पे LOC नहीं है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को पार कर रहे थे, तो उनको चेतावनी देने के लिए उन्होंने वो किया है। एज अ इंडियन मैं इस चीज़ को बिल्कुल गर्व महसूस करता हूँ कि अब हमारी आर्मी किसी भी चीज़ को सहती नहीं है, किसी भी गलत चीज़ को होने नहीं देगी, और आई स्टैंड विद माई आर्मी, और आप सबको भी हमारी आर्मी के साथ स्टैंड होना चाहिए। मैंने हमेशा से बोला है कि हमारे को रियल हीरोज़ को सपोर्ट करना चाहिए, ना कि रियल हीरोज़ को। लेकिन हम करते क्या हैं, हम रियल हीरोज़ को करते हैं, हम बातें करते हैं, हम ट्रोल करते हैं कि आलिया भट्ट ने क्या बोला। ये सब लोग इतने इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। आलिया भट्ट, आपकी रिया चक्रवर्ती गई जेल में, यार गई जेल में, उसको जाना था वो गई, और मैं चाहता हूँ कि जो भी मर्डर है जो सुशांत सिंह का हुआ है वो भी जल्दी से सामने आए कि क्या हुआ है, उस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे बाद में, जब भी जिस दिन भी उसका एक रिजल्ट आएगा। साथ ही साथ में मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हमारे देश के जो मंत्री हैं, जो बड़े बड़े पोस्टों पर बैठे हुए हैं, जिनका काम है डेवलपमेंट करना, जिनका काम है देश के जो लोग हैं उनको ठीक रखना, जिनका काम है देश के लोगों के लिए नौकरी को लेकर आना, आई होप अब आप और भी फास्ट होकर काम करेंगे, डेवलपमेंट के लिए और आगे काम करेंगे। और साथ ही साथ मैं अपने यूथ से बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ आप सभी मोटिवेट हो जाइए अच्छी चीज़ों के लिए और अच्छी चीज़ें करिए, जिससे कि हम सब इस प्रॉब्लम से, GDP, कोरोना, इंडिया वर्सेस चाइना, ये जो रियल प्रॉब्लम्स हैं, इनसे हम बाहर निकलें, इनसे हम बाहर निकलकर अपनी फैमिलीज के लिए खड़े हो पाए, अपने देश को खड़ा कर पाए। आई होप इसी मैसेज के साथ मैं इस वीडियो को एंड करना चाहता हूँ। आई होप थोड़ा सा आप लोगों का बल्ब चला होगा। बाय।